थोड़ा अच्छा आज ये देखने में मिला कि 28 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, 53 एडमिशन्स हुई नई। ये थोड़ा हार्टनिंग है, लेकिन फिर भी 11 डेथ्स भी हुई हैं। ये चिंता जो है वो साथ साथ बनी हुई है। जीएमसी जम्मू और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ मरीज़ आज की डेट में 503 हमारे पास दाखिल हैं, जिनमें से 87 पेशेंट्स वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। तो ये ओवरऑल दर्शाती है, हालात दर्शाते हैं, आंकड़े दर्शाते हैं कि हर दिन एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होना, डेथ्स का बहुत ज़्यादा होना, ये काफ़ी कम्युनिटी ट्रांसमिशन एस्टेब्लिश्ड है। और क्योंकि इन्फेक्टेड हो चुके हैं काफ़ी लोग लॉकडाउन से पहले, हो सकता है हमारी कम सूझबूझ या अज्ञानता या थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से ये जो बिल्ड हो चुका है ट्रांसमिशन, और ये लोग अब जैसे ही थोड़े बीमार हो रहे हैं और हमारे पास रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी जिम्मेवारी हमारी जनता पर जाती है, जिसमें बार बार कहने की ज़रूरत है, रीइन्फोर्स करने की ज़रूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कभी नहीं रहना है, मास्क कोट पहनने का तरीका ठीक होना चाहिए, हाथ बार बार साबुन पानी से धोते रहना है, और या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रहना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, खाने पीने बैठने इकट्ठे बैठने का स्कोप बिल्कुल नहीं है, कोई गैदरिंग्स का स्कोप नहीं है, शादियों का, रिलीजियस गैदरिंग्स का, कुछ 4 लोग इकट्ठे होके पास पास बैठे, इसका स्कोप बिल्कुल नहीं है, वायरस बहुत ट्रांसमिसिबल है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पूरी जनता अगर ये जिम्मेवारी लेगी तो ट्रांसमिशन चेन्स टूटेंगी और ये डिजीज़ बर्डन जो बिल्ड हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें गिरावट आने के चांसेस तभी हैं। नहीं तो हमारा जीएमसी जम्मू, इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, इसका स्टाफ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन महामारी का जो मैग्नीट्यूड है, जितना बढ़ रहा है, ऐसी एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं कोई मिसमैच ना हो जाए, हमारी तैयारियां कम पड़ने ना लगे, ऐसे इम्कान बन रहे हैं। तो इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हर कोई कोशिश कर सकता है मुझे इन्फेक्शन ना हो, और इसमें उसको सफलता मिलने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रहना है, फिजिकली रेस्ट करनी है, घर में आराम से रहिए, अपनी ऑक्सीजन पर नज़र बनाए रखनी है, पल्स ऑक्सीमीटर सरकार की तरफ से अवेलेबल हैं, 93-92% से ऑक्सीजन जैसे ही नीचे जाने लगे, घर में टाइम वेस्ट ना करें, इमिजिएटली हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए, टाइम पे इलाज शुरू होने से काफ़ी डिजीज़ आउटकम जो है वो पॉजिटिव होने के चांसेस बन जाते हैं, डेथ्स मिनिमम होंगी, तो बीमारी को हम अच्छे से समझ सके हैं, एक ज्यूडिशियस यूज़ करना है हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पूरा बिल्कुल सहयोग क्या गाइडेंस हर तरीके से कोशिश कर रहा है ऑप्टिमाइज करने की सर्विसेज को, और हमें सफलताएं मिले, काफ़ी हद तक जनता अपनी जिम्मेवारी समझे उस पर निर्भर भी करती है। मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं, तो वो कब तक आएंगे और लोगों को प्रति एश्योर हो कि ऑक्सीजन की क्राइसिस खत्म हो? जब से ये महामारी आई है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दिन प्रतिदिन एक भी दिन रुका नहीं गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपोनेंशियली बढ़ाया गया, उसका ही ये एक और कुछ कदम बढ़ाते जा रहे हैं आगे तरक्की की तरफ, जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और आ गए हैं, और ऐसा मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे।